हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रमोद ढाका और मेरे साथ है महेंद्र रोज सर। तो हम आपके लिए डियर, हमारा जो जेई का गुरु नीति है उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट जो है, क्योंकि तो हमारा 19th लेक्चर है, टोटल जो 33 आपको मिलने वाले हैं, वो 19th लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो बचा हुआ पोर्शन है, फर्स्ट पोर्शन हमने 18th लेक्चर में डिस्कस किया था, ये बचा हुआ जो पोर्शन है ये 19th लेक्चर में अपने रहेगा। सो स्टार्ट करें सर। जी सर, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है that a uniform electric field having a magnitude E naught and a direction along positive x-axis exists. If the electric potential at zero, if x is equals to zero, then its value at x is equals to plus x will be. मतलब situation कुछ इस type की है कि जैसे यदि अपन origin से बात करें तो electric field जो है वो इस direction में oriented है और इस electric field की value जो है वो अपने पास है E naught I cap और origin पे electric potential अपने को दे दिया गया है कि जीरो है। जी। तो यदि अपन फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। जी सर। फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो इंक्रीज होता है और फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है। जी सर। तो इस केस में तो अपन डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि जितनी डिस्टेंस मूव करेगा उतनी डिस्टेंस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिक्रीमेंट होगा। यदि डी डिस्टेंस मूव करता है जी सर, तो डिक्रीमेंट होगा ईडी का। तो यहां से यदि अपन बात करें, जैसे ये बोल रहा है कि x = + x पे बात करनी है आपको, तो प्लस एक्स पे डी की वैल्यू एक्स के इक्वल हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू अपने पास आएगी ई नॉट इनटू ई नॉट इनटू में एक्स। सो सेकंड ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। जी सर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, करते हैं शुरू। पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, the electric potential energy of a charged particle of mass 1 kg moving in xy plane is given by u is equal to 3x plus 4y where x and y are position coordinate measured in meter, the particle is initially at rest, initial position हमारे को 6 और 4 given है। ठीक है, तो इसके लिए first जो है हमारा, the magnitude of acceleration of a particle is, देखो magnitude calculate करना है अपने को, तो F और U के बीच में हमारे पास रिलेशन क्या होता है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ये आ गया हमारा x कंपोनेंट और y कंपोनेंट हो जाएगा माइनस ऑफ डी यू बाई डी। ठीक है, तो हमारे पास जो U की वैल्यू जो दी हुई थी वो क्या थी, 3x प्लस 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y। ठीक है, तो हम डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4, वाई हम कंसिडर करेंगे कॉन्स्टेंट तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फोर्स एक्स कंपोनेंट एफ एक्स क्या हो जाएगा 3 और एफ वाई क्या हो जाएगा हम माइनस, बिल्कुल, और ये माइनस ऑफ डेल यू वाई डेल वाई से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस 4 जे के बन जाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर क्या होता है, एफ वेक्टर बाई एम वेक्टर करेंगे, तो एफ वेक्टर क्या था माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप बाय मास 1 kg है, इट्स मीन ए जो वेक्टर रहेगा हमारा वो रहेगा माइनस 3i कैप और माइनस 4j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें हम लोग तो रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट। तो इसमें यदि बात करें तो अपना थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो वाई एक्स को ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, द पार्टिकल क्रॉस द वाई एक्सिस, सपोज दैट ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो वाई एक्स को क्रॉस करेगा तो वाई एक्स ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जो है वो आप 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, और किस टाइम पे ये वाई एक्स को प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद मान लो ये इस पॉइंट पे कर रहा है, y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 0 है, तो x x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हम जो लेंगे वो क्या लेंगे, x2 minus x1 is equal to u x into t plus 1 by 2 a x into t square, t square। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा 0 minus x कोऑर्डिनेट क्या था, इनिशियल x कोऑर्डिनेट से 6 x कोऑर्डिनेट पे 6 इज इक्वल टू 0 और ये माइनस 1 बाय 2 इनटू x कोऑर्डिनेट के अलोंग एक्सेलरेशन था 3 इनटू t स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 2, तो ये t स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, इट्स मीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पे इसका पोजीशन जो है
y एक्सिस पे मिलेगा। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे हम y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सर। y कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? y2 माइनस y1 इज इक्वल टू uy into t प्लस 1 बाय 2 ay into t स्क्वायर। t स्क्वायर ठीक है। y कोऑर्डिनेट अपने को कैलकुलेट करना है फाइनल, मान लो 2 y2 है और माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या था y का 4 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस माइनस 1 बाय 2 एक्सेलरेशन 4 था इनटू t की वैल्यू ऑफ 2 स्क्वायर करेंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये माइनस 8 y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 4। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? हमारा कोऑर्डिनेट रहेगा ये एक्चुअली 0 और माइनस 4 मतलब ये y एक्सिस को नीचे की साइड में ये कहीं ना कहीं यहां नेगेटिव y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा। बिल्कुल सर। ठीक है चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। फोर्थ में क्या कर रहा है? फोर्थ के अंदर द स्पीड विथ व्हिच द चार्ज पार्टिकल क्रॉस द y एक्सिस, स्पीड अपने को कैलकुलेट करनी है। तो y एक्सिस को t इक्वल टू 2 सेकंड पे क्रॉस किया था, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे अपने को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ux प्लस ay ax * t, इनिशियल वेलोसिटी xx के अलोंग 0 थी माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा माइनस 6 आई कैप लिख सकते मीटर पर सेकंड और आई कैप अपन लिख सकते हैं x एक्सिस के लोग हैं इसलिए। और vy हम कैलकुलेट करेंगे uy माइनस ay इंटू t रिटायर्ड एसएम को रिप्रेजेंट। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये 0 हो जाएगा माइनस एक्सेलरेशन क्या था 4 इंटू 2 क्या आ जाएगा माइनस 8 j कैप मीटर पर सेकंड। ठीक है ये vy आ गया। नेट वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? vx i cap plus vy j cap। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6 i cap माइनस 8 j cap। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 6400 10 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर। बिल्कुल सही। तो इसके अकॉर्डिंग तो करेक्ट आंसर की बात करें तो सेकंड वाली करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है दैट अ सॉलिड कंडक्टर हैज अ कैविटी, कंडक्टर कैरीज अ चार्ज प्लस टू एंड अ पॉइंट चार्ज माइनस टू लाइज इन द सेंटर ऑफ द कैविटी देन। ओके ये इनसाइड और आउटसाइड की सरफेस पे चार्ज कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। अपने पास स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की है कि ये कंडक्टर है और यहां पर अपने पास माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। यदि यहां माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड होगा तो पोलराइजेशन की वजह इंडक्शन की वजह से वैसे बोले तो इस सरफेस पर चार्ज इंड्यूस्ड होगा प्लस और दैट चार्ज विल बी प्लस क्यू। यस इसके आउटर सरफेस पे यदि मैं टोटल चार्ज की बात करता हूं तो टोटल चार्ज इस कंडक्टर पे अपने पास कैपिटल क्यू के इक्वल आना चाहिए। जी तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू के इक्वल आना चाहिए। तो इसका कुछ चार्ज का पार्ट इधर चला गया दैट इज प्लस क्यू, तो इधर जो आउटर सरफेस पे रिमेनिंग चार्ज रहेगा That will be capital Q minus small Q. तो यदि अपन यहां से करेक्ट आंसर्स की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है that charged capital Q minus capital Q minus small Q present on the outer surface of the conductor. बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड में कह रहा है चार्ज माइनस क्यू रिप्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, नहीं इनर सरफेस पे होगा प्लस क्यू। तो थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है तो सेकंड वन जो है दैट इज द इनकरेक्ट। थर्ड में बोल रहा है नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। बिल्कुल सर मतलब यदि मैं कंडक्टर में यहां वाले किसी भी पार्ट में बात करता हूं नॉट इनसाइड द कैविटी, कैविटी के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। कैविटी में यदि ये इसके सेंटर पे प्लेस्ड है और कैविटी बिल्कुल सिमेट्रिकल है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा और रेडियल रेडियल और इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है yes, इस चार्ज का जो इंडक्शन हो रहा है इंडक्शन के थ्रू जो चार्ज आ रहा है yes, वो भी सिमेट्रिकली ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन यदि कंडक्टर के इनसाइड में किसी भी पार्ट में यहां बात की जाएगी तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ये बोल रहा है नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। फोर्थ में बोल रहा है नेट फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो, इट्स नॉट जीरो, ये कर रहा हूं। तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो गए 1 और 3। सर चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है दैट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लाइज समवेयर इनसाइड द क्लोज कंडक्टिंग सेल एज शोन इन द फिगर, अनदर पॉइंट चार्ज प्लस small q lies outside the cell as shown, there are two points a and b, one inside and the other outside of the cell, choose correct alternatives। okay theek hai
तो इसमें जो चार ऑप्शंस बोले, फर्स्ट पहले अपन ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। एक्चुअली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये कंडक्टिंग सेल है, यहाँ पर अपने पास प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ पर अपने पास प्लस स्मॉल क्यू चार्ज प्लेस्ड है, एक पॉइंट यहाँ ए है और एक पॉइंट यहाँ बी है। तो फर्स्ट ऑप्शन में इसने बोला कि व्हेन चार्ज प्लस क्यू इज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन टू कीपिंग इट्स इनसाइड द सेल, दैट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल विल चेंज एंड द आउटर सरफेस ऑफ द सेल विल रिमेन अनचेंज्ड। तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की पोजिशन की वजह से, इस कंडक्टर के इन साइड की जो सरफेस है उस पर यदि मैं पोलराइज्ड चार्ज की बात करता हूं, इंड्यूस्ड चार्ज की, दैट वैल्यू विल बी माइनस क्यू। यस सर। बट ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो डिपेंड करेगा इसकी पोजीशन पर। यस सर। और आउटसाइड में यदि अपन चार्ज की बात करेंगे तो आउटर सरफेस पर भी वैसे प्लस क्यू होगा। यदि कंडक्टर अनचार्ज्ड है तो आउटर सरफेस पर भी प्लस क्यू चार्ज आएगा, लेकिन ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दिस विल बी अफेक्टेड बाय दिस चार्ज प्लस क्यू। इसका मतलब यदि मैं कैपिटल क्यू को मूव करवाऊं तो इनसाइड की सरफेस पे चार्ज डेंसिटी बिल्कुल वेरी करेगी, लेकिन आउटसाइड की सरफेस पर चार्ज डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं होगा। इसका मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए सेकंड वाले में बोल रहे हैं, व्हेन प्लस क्यू इज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन कीपिंग इट आउटसाइड द सेल, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल विल रिमेन अनचेंज्ड एंड देन टू आउटर सरफेस विल चेंज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनसाइड का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो केवल इनर सरफेस का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनसाइड के चार्ज पर डिपेंड करता है, और आउटर सरफेस का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आउटसाइड के चार्ज पर डिपेंड करता है। टोटल चार्ज कितना होगा वो तो अंदर कितना रखा हुआ उसके बेसिस पर अपन ने निकाल लिया, बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये इससे डिसाइड होगा। तो इसका मतलब यदि मैं इसे शिफ्ट करूंगा तो आउटर सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल चेंज होगा, बट इनसाइड में बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन बी जो है अपना करेक्ट आंसर है। थर्ड में बोल रहा है that when charge plus q is shifted from its position keeping it inside the cell then the electric field at b will remain same but that at a will change। बिल्कुल, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो a पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा। जी सर। आउटसाइड में तो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज नहीं हो रहा है तो b पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। फोर्थ में ये बोल रहा है that when charge plus q is shifted from its position, यदि प्लस क्यू को शिफ्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे अनचेंज्ड, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज नहीं हो रहा है, बी पे चेंज हो। तो देखिए क्या बोलता है कि व्हेन चार्ज प्लस क्यू शिफ्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन कीपिंग इट आउटसाइड द सेल देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी विल चेंज बट दैट ए विल रिमेन सेम। बिल्कुल सही बात है सर। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, कंसेप्ट इसका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, वहीं से लिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि दैट टू फिक्स्ड चार्जेस माइनस टू क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स माइनस 3a, 0 एंड 3a, 0। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे पास यहां पर चार्ज है माइनस 3a, 0 और यहां रखा माइनस टू क्यू को, यहां पर मेरे पास चार्ज है 3a, 0 और यहां पर मैंने चार्ज रखा है क्यू। चलिए, पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू टू चार्जेस इज 0 लाइन ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 4a एंड सेंटर इज 5a, 0। मतलब मेरे को ऐसा एक पाथ ट्रेस करना है जिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना चाहिए 0। तो चलो अपन एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स सपोज एक वेरिएबल पॉइंट पी है जिस पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 है। तो हमने कहा सर इसका कोऑर्डिनेट ले लिया x, y, तो ड्यू टू दिस चार्ज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी माइनस के इंटू टू क्यू डिवाइडेड बाई द सेपरेशन, ये 3a, 0 ये x, y, सो इट इज x प्लस 3a² प्लस y² प्लस में इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल दैट इज kq डिवाइडेड बाय x माइनस 3a² प्लस y², लेट सपोज दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से यदि मैं इसको शिफ्ट करता हूं तो kq तो कैंसिल आउट हो गया, दिस वैल्यू कम्स एज 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3a² प्लस y² एंड दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 3a² प्लस y². यस सर। तो स्क्वायर करके ओपन कर ले, दिस वैल्यू कम्स एज 4x² प्लस 3a² 9 36a² माइनस 3 2 6 4 24xa प्लस में 4y² इज इक्वल टू x² प्लस 9a² प्लस 6xa
प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा सा सजा के लिखे इसको, इधर ले आए तो ये 3x स्क्वायर, दिस वैल्यू इज 27a स्क्वायर माइनस 30xa प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. 3 से डिवाइड कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, 9a स्क्वायर माइनस में 10xa प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. यस, तो मैं इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 10xa प्लस 25a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 60a स्क्वायर. थोड़ा सा अपन मैथमेटिक्स का थोड़ा सा बेसिक सा नॉलेज है तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा ये. तो ये अपने पास x माइनस 5a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर. यस सर, मतलब ये अपने पास एक सर्किल की इक्वेशन है और उस सर्किल का सेंटर जो है इधर तो है 5a और इधर है 0, मतलब सर्किल का सेंटर है 5a, 0. और यदि मैं सर्किल की रेडियस की बात करता हूं तो सर्किल की रेडियस है 4a. इसका मतलब यदि फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अपन बात करें तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रेडियस जो है वो 4a है और 5a, 0 जो है वो सर्किल का सेंटर है, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट तो करेक्ट है. यस सर, तो सेकंड वाले की बात करें, पोटेंशियल इज 0 एट x = 0 एंड x = 9a. यदि x = 0 और x = 9a की पोजीशन की बात करते हैं, यदि उस सर्किल की बात करें तो वो सर्किल का सेंटर होगा यहां 5a, 0 और ये वाला पॉइंट होगा 9a, 0. yes, तो इस पर तो पोटेंशियल 0 है और इधर जो होगा 4a रेडियस है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा 1, 0. यस सर, जबकि अपने क्वेश्चन में बोल रखा है x = 0 और x = 9 है. सही, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है अपना सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट, क्योंकि ये x = a और x = 9 है बोलता देन दैट ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए थर्ड वाले में कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस q इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल ऑब्टेंड इन पार्ट वे इट विल इवेंचुअली क्रॉस द सर्किल. चलिए सर, इस वाले को देखने के लिए मतलब अपना फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, एक बार आगे बढ़ाते हैं बात को. अभी वापस से बात करें तो ये वाला पॉइंट हो गया मेरे पास माइनस 3a, 0 और ये वाला पॉइंट हो गया 3a, 0. यहां पर मेरे पास पॉइंट है 5a, 0. दिस चार्ज इज क्यू एंड दिस चार्ज इज माइनस 2q. ऑप्शन में बोला गया है कि दैट इफ पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल ऑब्टेंड इन पार्ट ए इट विल इवेंचुअली क्रॉस द सर्किल, मतलब ये सर्किल को क्रॉस कर जाए इसके लिए अपने को सोचना पड़ेगा. तो यदि अपन यहां वाले पॉइंट पर सोचें, इस वाले पॉइंट पर, तो इस वाले पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी KQ अपॉन 4a स्क्वायर. यस सर, और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सोचें तो दैट वैल्यू इज के इंटू 2q डिवाइडेड बाय दिस इज 5a, दिस इज 3a, दिस इज 8, तो 64a स्क्वायर. इसका मतलब इस केस में यहां पर पार्टिकल को यदि अपन रखेंगे सेंटर पे छोड़ेंगे तो पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा. यस सर, पार्टिकल इस डायरेक्शन में तो मूव करेगा. यदि अपन 9a वाली पोजीशन पर बात करते हैं, 9a की बात करें तो यहां से इसके डिस्टेंस है 6a, तो ये वाली वैल्यू, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ अपॉन 36a स्क्वायर. यस सर, और इसकी वजह से यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां देखूं तो ये डिस्टेंस है 9 है और ये है 3, सो दैट वैल्यू विल बी के इनटू 2q डिवाइडेड बाय दिस इज 3, दिस इज 9, सो 12, सो इट इज 144a स्क्वायर. ये अभी कैंसिल आउट हुआ, दिस वैल्यू इज 72. यस सर, मतलब यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इस डायरेक्शन में ही है. यस सर, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इसी डायरेक्शन में है, 5a पर भी इसी डायरेक्शन में था और इस पे भी इसी डायरेक्शन में, मतलब अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो वाला पॉइंट आया नहीं है. यस सर, मतलब ये पार्टिकल यदि यहां रिलीज करेंगे तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये पार्टिकल जो है वो 9a, 0 से सर्किल को क्रॉस कर जाएगा. पार्ट ठीक है, तो इस वाले पार्ट के आंसर की बात करें तो थर्ड वाला पार्ट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. यस सर, अब फोर्थ वाले में बोला गया दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट ओरिजिन इज अलोंग एक्स एक्सिस. यदि ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो ओरिजिन पर माइनस 2q की वजह से इस डायरेक्शन में, दिस इज द नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लस q की वजह से बात करेंगे तो प्लस q की वजह से इस डायरेक्शन में. इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में, और इसमें बोला गया है कि ये
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो अपने जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, फर्स्ट वन एंड थ्री। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। 8 में बोल रहा दैट एन अनचार्ज्ड थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ए ऑफ रेडियस स्मॉल ए इज प्लेस्ड कंसेंट्रिकली विद अ थिक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल बी ऑफ इनर रेडियस 2a एंड आउटर रेडियस 3a एज शोन इन द फिगर। इफ द सेल बी इज गिवन ए टोटल चार्ज प्लस क्यू देन ओके। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बी को अपन ने टोटल चार्ज प्लस क्यू दिया है, तो लेट सपोज कि ए पे चार्ज इंड्यूस होकर जो आ रहा है, मतलब ग्राउंडिंग के थ्रू, अर्थिंग के थ्रू जो चार्ज आ रहा है वो प्लस क्यू, तो इस पर यदि प्लस क्यू आएगा तो इस पर माइनस क्यू आएगा, और इस पर माइनस क्यू आएगा तो इसके आउटर सरफेस पर टोटल चार्ज आएगा, क्योंकि ये तो कंडक्टर है अपना, तो इस पर टोटल चार्ज इसके आउटर सरफेस पर आएगा, दैट विल बी कैपिटल क्यू प्लस क्यू। अब इसको इन्होंने ग्राउंड कर रखा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल है जीरो, मतलब इस सेल का जो पोटेंशियल है वो जीरो है जिस पर चार्ज क्यू है। तो इसकी रेडियस तो अपने को ए गिवन है, इसकी रेडियस 2a गिवन है, और इसकी रेडियस 3a गिवन है। तो अपन इस पॉइंट का पोटेंशियल लिख लेते, इस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे तो एक तो आएगा kq अपॉन स्मॉल a, एक आएगा माइनस kq अपॉन 2a, और एक आएगा k कैपिटल q प्लस स्मॉल q डिवाइडेड बाय 3a, और ये वाली वैल्यू अपनी आ जाएगी जीरो की इक्वल। अच्छा, तो इसमें से k बाय a और k बाय a तो सही हो गया। यहां डाटा आया q माइनस q बाई टू दैट इज q बाई टू प्लस में कैपिटल q बाई थ्री प्लस में q बाई थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से यदि सोल्व किया तो 5q बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस कैपिटल q बाई थ्री, ये कैंसिल आउट हुआ टू टाइम्स, मतलब q की वैल्यू जो है वो माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाई फाइव आ रही है। यदि माइनस टू क्यू बाई फाइव आ रही है, मतलब a पर तो चार्ज बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ए पर चार्ज, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आउटर सरफेस ऑफ बी की बात करें, यदि ये चार्ज इतना है तो इस वाले चार्ज की बात करेंगे तो ये कितना बचेगा 3q by 5। यस सर, ये वाला चार्ज अपना माइनस 2q by 5 है, तो इस पर चार्ज की जब बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2q by 5। मतलब बी के आउटर पार्ट पे तो 3q by 5 होगा और इनर पार्ट पर होगा 2q by 5। तो यदि अपन यहां से देखें, चार्ज ऑन आउटर सेल, आउटर सरफेस ऑफ सेल विल बी 3q by 5, बिल्कुल सही बात है। तो थर्ड आंसर जो है वो भी अपना करेक्ट है, फोर्थ तो इनकरेक्ट। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो 9 में बोला गया दैट देयर इज अ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, कैपिटल क्यू यहां है ओवर, ओके, एंड ए एंड बी आर पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ओ, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। अच्छा, एक चीज अपन यहां से बोल सकते हैं डायग्राम से कि जितनी डिस्टेंस ए की है उससे कम डिस्टेंस सी की है। यस सर, ये डायग्राम के थ्रू हमें प्रेडिक्शन लेना पड़ेगा। अब बोला ये गया है दैट अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज टेकन स्लोली बाय एन एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम ए टू बी अलोंग द लाइन एसी एंड देन अलोंग द लाइन सीबी, तो ये इसमें मूव करवा रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क डन ऑन द चार्ज की यदि अपन बात करें, तो भाई यदि ये इक्विडिस्टेंस है तो यहां का पोटेंशियल, यदि यहां का पोटेंशियल वी है तो ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल भी वी होगा। तो टोटल वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल एजेंट का, दैट इज यू फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज क्यू, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब टोटल वर्क डन जो आ रहा है ना वो तो अपने पास आ गया साहब जीरो। अच्छा चलिए फिर आगे बात करते हैं। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम ए टू सी इज नेगेटिव। ए टू सी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन की बात की है, मतलब सिचुएशन एक्चुअली कुछ इस टाइप की है कि ओ यहां है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, और ये वाला पॉइंट जो है ये बी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन होगा, दैट वैल्यू विल बी kq अपॉन ra u इनिशियल माइनस u फाइनल। मैं a से c की बात करूं केवल, तो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है u इनिशियल माइनस u फाइनल। तो इस वाले केस में अपने को बहुत क्लियर कट पता है कि भाई ये RC है, ये RA है और ये RB है, एंड दिस RC इज लेस देन RA, मतलब दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस, दैट मींस दिस क्वांटिटी इज व्हाट, नेगेटिव। दिस इज वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट मींस सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, नेगेटिव बोल रहा है वो। यस सर, चलिए थर्ड में बात करें, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फ्रॉम C टू B इज पॉजिटिव। यस सर, तो अपन यदि
सीधा प्रिडिक्शन लेना चाहिए ना, बोले भाई देखो ऐसा है ए टू सी प्लस सी टू बी टोटल वर्क डन तो है जीरो, ये वाला वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक का है नेगेटिव, तो सी टू बी में यदि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क डन की बात करूंगा देन दैट वर्क डन विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब इसका थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। चलिए फोर्थ की बात करें, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल पाथ, नहीं बिल्कुल भी नहीं करता, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके करेक्ट आंसर्स हो गए 1, 2 and 3। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, 9 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोल रहा है दैट अ कंडक्टिंग स्फीयर ए ऑफ रेडियस ए एंड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड कंसेंट्रिकली इनसाइड अ कंडक्टिंग सेल ऑफ बी ऑफ रेडियस बी, बी इज अर्थड एंड सी इज द कॉमन सेंटर ऑफ ए एंड बी। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सेंटर पर तो कैपिटल क्यू रखा है, इसको अपन ने आउटर को अर्थड किया है, ठीक है। ये जो आउटर वाली है इसको सर अपन ने अर्थड किया, चालीस ठीक है। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, यदि मैं चार्जेस देखूं, पहले मेरे को तीन पार्ट इसमें कैलकुलेट करने हैं। यदि मैं चार्जेस देखूं, यदि इस पर कैपिटल क्यू है तो इसकी इनर सरफेस पर आएगा माइनस क्यू क्यू प्लस, और इसकी आउटर सरफेस पर आएगा प्लस क्यू। बट ये चार्जेस बहुत क्लोज से है ना, तो इनका ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिसिपेशन मानेंगे अपन, ना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू बैलेंसिंग वाले से केस होंगे। अच्छा अब यदि मैं इस पर चार्ज क्यू मान लू और इसको ग्राउंड ओर कर रखा है, और रेडियस जो गिवन है वो मेरे को इसकी रेडियस तो ए गिवन है, सॉरी बी गिवन है, और इसकी रेडियस जो है वो आई थिंक ओके ये ए गिवन है और ये वाली रेडियस जो है ये बी गिवन है। यदि मैं इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल डिफाइन करूं तो दैट इज के कैपिटल क्यू अपॉन बी, प्लस में इसकी खुद की वजह से पोटेंशियल की बात करें तो के स्मॉल क्यू अपॉन बी दैट वैल्यू बिकम्स जीरो, तो क्यू की वैल्यू जो है वो माइनस ऑफ कैपिटल क्यू के इक्वल आ रही है। मतलब इस पर जो चार्ज है ये हाँ इसके इक्वल है, माइनस ऑफ कैपिटल, नेट चार्ज जो है इसके ऊपर वो इसके इक्वल है। तो अब जानना क्या क्या चाह रहे हैं कि फाइंड द फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर किसके बीच में हो, मतलब यहां पर। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से तो अपन कुछ मानेंगे नहीं, केवल इसकी वजह से ही बचेगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट का अपना आंसर है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा दूसरा, ए और बी के बीच मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ए और बी की बात करें तो ए ये वाला सेल है और बी ये वाला सेल है, तो ए का पोटेंशियल तो केवल इसकी वजह से होगा। यस सर। तो VA की बात करें तो VA की वैल्यू तो होगी KQ अपॉन A, और VB की वैल्यू तो अपने पास किसके इक्वल है, जीरो, जीरो के इक्वल। VB की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल है। अच्छा A के पोटेंशियल में हमने एक कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी, क्योंकि A का पोटेंशियल एक तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से होगा, यस सर, इन दोनों की वजह से नहीं होगा, लेकिन इस वाले चार्ज की वजह से तो होगा। जी सर। और ये तो इसके इनसाइड का पॉइंट है, तो इस वाले चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल जो आएगा That is KQ upon small a minus KQ upon small b. So BB तो जीरो है, VA की वैल्यू ये है, तो A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अपना यही होगा। Yes, sir. तीसरे वाले में बोला गया कि the find the potential at a distance small r. मतलब जैसे इस वाले किसी पॉइंट पर मेरे को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इसकी वजह से नहीं होगा, मतलब ये सेल A की वजह से तो नहीं होगा, पर ये इनसाइड वाले चार्ज की वजह से होगा, दैट विल बी KQ upon small r. और आउटसाइड वाले चार्ज की वजह से होगा, That value will be KQ upon small b. b. तो ये किसी भी point पर potential हो गया अपने पास as a function of r. So this will be the answer of third part. चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, question number 10 के बाद next question, question number 11. 11 में बोला गया है that some equipotential surfaces are shown in the figure. What you can say about the magnitude and direction of electric field? तो हमें ये पता है कि electric field जो होता है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीजिंग होता है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा उसके बारे में बोले तो देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के होना चाहिए परपेंडिकुलर,
ये वाला एंगल तो 30 और ये वाला एंगल है 90, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इलेक्ट्रिक फील्ड 120 पर तो है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की यदि अपन बात करें तो मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट विल बी डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आर। तो डेल्टा वी 20 से 10, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज हुआ 10 का, डिवाइडेड बाई द सेपरेशन, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेसेस। अच्छा, अब ये डिस्टेंस तो अपने पास 10 सेंटीमीटर। अब कुछ एंगल की यदि बात करें, जैसे ये सरफेस यहां से 30 डिग्री पर है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इधर वाला एंगल बचा 60। ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर सेपरेशन इनके बीच आ रहा है दैट इज 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर की बात करें, सो इट इज 5 × 10^-2, सो दिस वैल्यू कम्स एज 200 वोल्ट पर मीटर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 120 डिग्री के एंगल पर, और उसका मैग्नीट्यूड होगा 200 वोल्ट पर मीटर। चलिए जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन रेक्टेंगल शोन इन द फिगर टू कॉर्नर्स हैव चार्जेस 5 माइक्रोकुलम एंड 2 माइक्रोकुलम, हाउ मच द वर्क डन इज मूविंग इन अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकुलम फ्रॉम बी टू ए। और इसमें आंसर नहीं आएगा जब तक आप ये नहीं लोगे ना, इसका ध्यान रखना। अभी ये पहले से क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है तो हमें यही यूज करनी है। चलिए जी सर, तो शुरू करते हैं। सिचुएशन एक्चुअली कुछ ऐसी है कि ये वाला सेपरेशन है 5 सेंटीमीटर, ये वाला सेपरेशन है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अच्छा, चार्ज Q1 है यहां और चार्ज Q2 है यहां। This point is B and this point is A. और बोला ये गया है कि B to A. तो work done जो है वो भी ये mentioned नहीं है कि work done कौन सा है। तो यदि mentioned नहीं होता है, that means we have to calculate work done by the external force. Electrostatic force का work done होगा तो ये बात question में बिल्कुल mention होगी, और नहीं है मतलब external का ही करना है। तो चलिए, यहां से B से A तक लेकर गए हैं, तो एक्सटर्नल का वर्क डन जो होता है वो होता है क्यू इनटू में वी फाइनल बोले तो वी है, माइनस वी इनिशियल बोले तो वीबी। यदि मैं वीबी की बात करूं, बी पॉइंट पर पोटेंशियल, सो दिस वैल्यू विल बी के क्यू वन डिवाइडेड बाय 5/100 सेंटीमीटर को मीटर में किया तो ये आ गया 20 K Q1। अच्छा, प्लस में तो इसकी वजह से देखा है, इसकी वजह से के क्यू टू डिवाइडेड बाई 15/100, सो दिस वैल्यू कम्स एज 100 K Q2 डिवाइडेड बाई 15। अच्छा, यदि मैं पॉइंट ए के पोटेंशियल की बात करता हूं तो इससे डिस्टेंस है 15, तो इट इज के क्यू वन डिवाइडेड बाई 15 × 100 ऊपर चला जाएगा, प्लस में के क्यू टू, और इससे डिस्टेंस है 5, तो 5/100 मतलब ऊपर अपना 20 चला जाएगा, सो दिस वैल्यू कम्स एज 100 K Q1/15 प्लस 20 K Q2। तो अपना काम है पहले तो VA माइनस VB निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं। VA माइनस VB, इन दोनों से KQ1 कॉमन है, KQ1 कॉमन है, एंड दिस डाटा इज 100/15 माइनस में 20 प्लस में, इन दोनों में से KQ2 कॉमन है, KQ2 इनटू में 20 माइनस 100/15। तो ये वाला डाटा मेरे पास आ गया 300 - 100 200/15, और ये भी आ गया 200/15, तो दोनों में से 200/15 तो मान लो कॉमन, और ये डाटा बचा माइनस Q1 प्लस का Q2। अच्छा, आप Q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो Q1 जो है वो तो है 5 माइक्रोकुलम और Q2 है 2, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा -3, और वो चार्ज है अपना 3 माइक्रोकुलम, तो W एक्सटर्नल जो आ रहा है दैट इज 3 × 10^-6 इनटू में K की वैल्यू लेनी है 10^-10 1/4πε0 यही होता है। Yes, sir. अच्छा, इनटू में मेरे पास है 200/15 इनटू में वैल्यू है 3 × 10^-6 माइनस को एडजस्ट करेंगे तो ये लिख देंगे। तो यदि अपन यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये जो डाटा आ रहा है ये मेरे पास 1.2 जूल के इक्वल आएगा। तो दिस विल बी दी work done in moving this charge from point B to point A. चलिए सर,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा था दैट अ नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस ए एंड अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विद इट्स एक्सिस वर्टिकल. ओके, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल एम एंड पॉजिटिव चार्ज क्यू इज ड्रॉप्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द डिस्क फ्रॉम अ हाइट कैपिटल एच विद जीरो इनिशियल वेलोसिटी. ओके, द पार्टिकल हैज क्यू बाय एम इज इक्वल टू कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है दैट 4 एप्सिलॉन नॉट जी बाय सिग्मा. Find the value of capital H if the particle just reaches the disk. मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये डिस्क है और पार्टिकल है यहां. डिस्क की रेडियस है a और ये जो हाइट है ये है h. पार्टिकल को आपने यहां छोड़ा और पार्टिकल इस वाले पॉइंट पर आना चाहिए. सिंपल सी बात इतनी है. तो जी अपन तो ये लगा दे पार्टिकल यहां जस्ट पहुंचाना ही है. तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस के फाइनल. यस सर, पहुंचाना ही है और छोड़ा है ये दोनों ही वैल्यू जीरो. मतलब यू इनिशियल यू फाइनल के इक्वल होना चाहिए. लेट सपोज दिस इज द ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी लेवल जीरो. तो यू इनिशियल में दो टाइप की एनर्जी होगी. यदि इसका चार्ज क्यू और मास एम है तो एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच प्लस चार्ज इनटू द पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर. यदि इसके इनफाइनाइट पर पोटेंशियल को जीरो मानते ना तो इसका पोटेंशियल होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल एच. अब ये वाला डाटा बेटा जी आपको याद होना चाहिए. बिल्कुल क्लासरूम में सोल्व होता है क्वेश्चन और ये क्लासरूम में बाकायदा डेरिवेशन के साथ जेई में करवाया जाता है. तो आई थिंक ये याद होगा आपको. उसके बाद इधर ये जीरो और ये क्यू इंटू में अब मेरे को एच की जगह जीरो ही तो पुट करना है. सो दिस वैल्यू इज सिग्मा ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन. अच्छा अब कुछ गिवन इंफॉर्मेशन और है. गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि जैसे अपन यदि इसको थोड़ा सा सजा के लिखें तो Q सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट जो है ये वाली वैल्यू मेरे पास mg के इक्वल आ रही है. मैंने m को इधर भेज दिया बाकी क्वांटिटीज को इधर भेज दिया. तो Q सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट mg के इक्वल है. तो यहां पर मैं इस क्वेश्चन में mg के प्लेस पर पुट कर देता हूं Q सिग्मा अपॉन 4 epsilon naught into capital H plus में Q sigma upon 2 epsilon naught under root of A square plus H square minus H is equals to Q sigma A divided by 2 epsilon naught. तो ये सब Q sigma by 2 epsilon naught, Q sigma by 2 epsilon naught और Q sigma by 2 epsilon naught तो कैसे आउट हो? ये डाटा आया H by 2 plus में इधर वाला डाटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच और इधर वाला डाटा है स्मॉल ए. इसको इधर ले आए तो एच बाई टू बच गया और इधर ले आए तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस एच बाई टू. स्क्वायर कर ले तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई फोर प्लस ए एच. तो ए स्क्वायर तो सही हो गया अपना. ये डाटा इधर बचा 3 एच स्क्वायर बाई फोर इक्वल्स टू ए एच. एच कैंसिल आउट तो एच की वैल्यू जो मेरे पास आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 4a by 3. मतलब यदि मैं इस डिस्क के सेंटर से यहां से 4a by 3 पर किसी पार्टिकल को रिलीज करता हूं तो पार्टिकल स्टार्टिंग में एक्सेलरेट होगा देन रिटार्ड होगा बट फाइनली वो इस डिस्क के सेंटर तक रीच कर पाएगा. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोला गया है. That the diagram shows a small bead of mass smaller carrying charge q. The bead can freely move on the smooth ring placed on the smooth horizontal plane. In the same plane, a charge plus q has also been fixed as shown. The potential at the point P, okay, due to q is V. The minimum velocity should be projected from the point P so that it can complete a circle. मतलब मेरे को situation कुछ इस type की given है कि ये circle है. यहां पर चार्ज क्यू है, यहां पर चार्ज स्मॉल क्यू है, मास एम है. इसको कुछ वेलोसिटी यू दू ताकि ये इस सर्किल को कंप्लीट कर सके. सर्किल को कंप्लीट कर सके इसका मतलब देखो जैसे ये घूमता हुआ रोटेट करता हुआ आ रहा है. यदि ये इस वाले पॉइंट को पार कर गया ना क्योंकि ये इससे मिनिमम सेपरेशन का पॉइंट है तो मिनिमम सेपरेशन वाले पॉइंट को पार कर जाएगा तो उसके बाद तो कैपिटल क्यू के रिपल्सन की वजह से वो उसको क्रॉस ही कर जाएगा. जब ये वाला मोशन हो रहा होगा ना
तो इस वाले मोशन में कैपिटल क्यू से डिस्टेंस डिक्रीज हुई है यहां तक आते आते, तो रिपल्सन की वजह से कैपिटल क्यू उसके आने का अपोज करेगा, मतलब हमें ये वाला कंप्लीट करवा दो फिर केस सोल्व। तो चलिए मान लो यहां से क्रॉस करते टाइम उसकी वेलोसिटी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, ये स्मॉल वी से ले रहा हूं। अच्छा यहां वाले पॉइंट पर पोटेंशियल कैपिटल वी गिवन है इस चार्ज की वजह से, तो यहां वाले पर अपन बोल सकते हैं कि पोटेंशियल जो होगा वो 4v होगा, क्योंकि सेपरेशन यहां 1/4 हो गया, भाई 4a का a हो गया, तो पोटेंशियल जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिस्टेंस के इनवर्सली वैल्यू। तो यदि अपन यहां से सोल्व करना चाहें, भाई फोर्स तो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो u इनिशियल तो हो गया k * कैपिटल v + 1/2 mu स्क्वायर, u फाइनल हो गया q * 4 * कैपिटल v, और k फाइनल तो अपन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस तो 0 ले ले, तो इधर लेकर आए तो mu स्क्वायर / 2 is coming as 3qv, तो u स्क्वायर = 6qv divided by m। तो यदि मैं u की बात करूं, this value is 6q capital v by m, this will be the minimum speed with which the particle should be projected, यदि इससे ज्यादा से होगा तो बहुत इजीली क्रॉस कर लेगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों ही बहुत शानदार वाले क्वेश्चन है और एक छोटे से कंसेप्ट पर बेस्ड है। कंसेप्ट ये है, जैसे इसमें बोलना था चार्ज पार्टिकल q इज प्रोजेक्टेड ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, इसकी मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा ना, इसकी भी और अगले वाले की भी, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप देख लेंगे, हम इसका केवल कंसेप्ट डील करेंगे और बहुत शानदार सा कंसेप्ट है बेटा इनका। तो चलिए उस कंसेप्ट को डील करते हैं अपन। ये बोल रहा है दैट चार्ज पार्टिकल क्यू इज प्रोजेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए फिक्स्ड चार्ज कैपिटल क्यू एज शोन इन द फिगर, ओके व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो चलिए सर क्वेश्चन एक्चुअली कुछ ऐसा है कि यहां कैपिटल क्यू, यहां कैपिटल क्यू है ये वाली लाइन, इस वाली लाइन के अलोंग अपन ने किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से प्रोजेक्ट किया, चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से प्रोजेक्ट किया, और इससे यदि मैं इसके मिनिमम सेपरेशन की बात करूंगा, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो मिनिमम सेपरेशन के टाइम पार्टिकल एक्चुअली कुछ ऐसे क्रॉस कर रहा होगा, पर इसकी जो वेलोसिटी होगी ना, ये डिस्टेंस और वेलोसिटी मिनिमम सेपरेशन के टाइम परपेंडिकुलर होगी। अब सवाल ये कि ये परपेंडिकुलर क्यों होगी, तो चलिए जैसे अपन यहां वाले किसी पॉइंट पर बात करते हैं, अभी जैसे ये पाथ है पार्टिकल का, तो इधर वेलोसिटी होगी पार्टिकल की कुछ, ये कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच लग रहा होगा रिपल्सन, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो इधर है और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर है, तो इस गिवन इंस्टेंट पर ये जो रिपल्सिव फोर्स इधर लग रहा है ये वेलोसिटी के इस कंपोनेंट को डिक्रीज करेगा। जैसे यहां पर बात करें तो वेलोसिटी इधर होगी, रिपल्सिव फोर्स इधर होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, तो रिपल्सिव फोर्स जो अगेन इसी कंपोनेंट को डिक्रीज कर रहा है। तो देखो बॉडी के पास दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच टुवर्ड्स कैपिटल क्यू, और ये वाली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। Yes, sir. So obviously the separation will be minimum when this velocity of approach is zero. Yes, sir. मतलब जब velocity is perpendicular distance के, velocity is distance के perpendicular होगी, that will be the minimum separation. Yes, sir. उसके बाद तो velocity of separation आने लगेगा repulsive force की वजह से। तो अच्छा एक concept तो अपना ये आ गया कि सर इस केस में हमें minimum separation के time velocity जो है वो separation के perpendicular होना चाहिए। अब यहां पर अपन क्या क्या कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, कैपिटल क्यू मेरा फिक्स है, ठीक है, स्मॉल क्यू मूविंग है, तो हम यदि ये बोले कि सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि कैपिटल क्यू रिजिड है ना। अब आपने कुछ तो किया ही है ना, कील ठोकी है, फेविकोल लगाया, कुछ भी किया है, पर इस पार्टिकल को रिजिड रखने के लिए कुछ किया तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो आप सबसे पहली चीज सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो यही लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है, मतलब ये फोर्स इसके सेंटर से क्रॉस कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम का टॉर्क नहीं है। सिस्टम पर यदि टॉर्क नहीं है तो इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। तो पहला कंसेप्ट तो अपन ये लगा सकते हैं कि इधर वेलोसिटी है यू, तो लीनियर मोमेंटम तो हो गया एम यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज एम यू ए,
और दूसरा अपन यहां पर लगा सकते हैं एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। ये अपना पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आ गया। दूसरा, सिस्टम में फोर्स का वर्क डन जीरो है, वर्क डन जीरो है तो सिस्टम में एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो इनिशियली तो दोनों के बीच कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, इंट्रैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाफ एन यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर हो जाएगी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर परपेंडिकुलर, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उस केस में हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां से वी की वैल्यू आर परपेंडिकुलर के टर्म्स में यहां पुट करेंगे, दिस विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आर परपेंडिकुलर। आई थिंक क्वेश्चन जो है ना वो मतलब ब्रेक हो चुका है, वैसे बाकी मैथ्स के स्टूडेंट है बेटा, टिपिकल काम तो है नहीं, आराम से बनाया जा सकता है। yes, sir. आंसर भी थोड़ा सा मतलब उटपटांग ही आएगा, डाटा सेट नहीं है ना, तो एम यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इन सब के टर्म्स में आएगा, तो घबराना नहीं है ना। आप जो नीचे हमारे गुरु नीति में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ रहता है पीडीएफ का, जिसके थ्रू आप पहले पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और वो इसीलिए है एक तो आप आंसर स्टडी कर सकें, और एक गुरु नीति देखने से पहले आप सारे क्वेश्चन को खुद से एक दफा अटेम्प्ट कर सके, ताकि जब हम समझाएं तो बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए सर नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं बात को। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है दैट अ पार्टिकल ऑफ मास 1 केजी एंड चार्ज 1/3 माइक्रोकूलम इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स अ नॉन कंडक्टिंग फिक्स्ड स्फेरिकल सेल हैविंग द सेम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, फाइंड द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड इफ द पार्टिकल जस्ट ग्रेजेस द सेल। मतलब कंसेप्ट वही वाला है, बस वो ये कह रहा है कि ग्रेजेस द सेल की बात कर रहा है ना, इसका मतलब जब पार्टिकल इसके पास से क्रॉस करेगा तो बिल्कुल इसको टच करता हुआ यहां से क्रॉस करेगा। तो वही बात, सबसे पहले तो एम यू इंटू ए, यदि मैं सेपरेशन को ए कहूं तो, और दूसरा ये हो गया एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर दैट विल बी द रेडियस। अच्छा ए जो है वो आर बाई टू है ना, तो इस क्वेश्चन में बहुत आसान सी चीजें भी है, इसमें डाटा सेट है तो एम तो अपना सही हो जाएगा। दिस इज यू, दिस वैल्यू इज आर बाई टू, दिस इज वी एंड दिस वैल्यू इज आर, तो वी की वैल्यू जो है वो मेरे पास यू बाई टू की। दिस इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। उसके बाद यदि मैं लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करूं तो अपने पास जो कंसेप्ट लग रहा होगा इनिशियली तो हाफ एम यू स्क्वायर, और फाइनली के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो आई थिंक फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वी के प्लेस पर यू बाई टू पुट करना है, बाकी सारे डाटा आपके पास है। कैपिटल क्यू की वैल्यू भी 1/3 माइक्रोकूलम, स्मॉल क्यू की वैल्यू भी 1/3 माइक्रोकूलम, पार्टिकल का मास भी गिवन है। चलिए सर आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है दैट अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड आर प्लेस्ड, टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड एज सोल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन दीज डाइपोल्स, मतलब इन दोनों डाइपोल्स के बीच एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो जी यहां से यदि मैं P2 की वजह से बात करूं, जैसे P1 पर, वैसे ये वाली वैल्यू जो होती है वो इंटीग्रेशन इंटरेक्शन एनर्जी को, या फिर E dot P, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यदि P2 को अपन रिजोल्व कर लेना, P2 के कंपोनेंट्स रिजोल्व कर लेता हूं, तो इधर वाला कंपोनेंट था P2 cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट है P2 sin। अब P1 वाली पोजीशन पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, दैट इज 2KP2 cos R³ cos थीटा, और साइन थीटा वाले की वजह से, मतलब हमने एक डाइपोल के दो पार्ट किए और उन दोनों पार्ट्स की वजह से इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, तो दिस डाइपोल, दिस पॉइंट इज एट द एक्सिस ऑफ दिस डाइपोल, तो एक्सिस वाले पॉइंट पर ही, और ये वाला पॉइंट इस वाले डाइपोल के लिए इक्वेटर पर है, तो KP2 साइन थीटा अपॉन R³ हो गया। अच्छा अब P1 की बात करें तो P1 तो इधर ही है, तो हम जो डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे P.E का, उसमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ तो डॉट प्रोडक्ट आएगा और इसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट आएगा जीरो, तो इंट्रैक्शन एनर्जी अपने पास जो आएगी दैट इज माइनस में 2KP1P2 डिवाइडेड बाय R³ इनटू कॉस थीटा। अच्छा अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, P1 भी इधर है, तो दोनों के बीच एंगल, वैसे मतलब इन दोनों के बीच एंगल की बात करें तो दैट इज कॉस जीरो, सो द इंट्रैक्शन एनर्जी बिटवीन दीज टू डाइपोल्स इज ट्वाइस KP1P2 अपॉन R³ इनटू में कॉस थीटा। चलिए सर आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर।
18 वाला क्वेश्चन है ना, हम लोग गुरुनीति फर्स्ट में रखने चाह रहे थे पर मिस हो गया ना, तो हमने इसमें रख दिया। बहुत शानदार सा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। जैसे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकाला था ना, कंसेप्ट वही लगा रहे। तो बट उसमें मैं मैग्नीट्यूड के थ्रू डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना चाहूंगा। कई बार क्या स्टूडेंट्स है ना, बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। क्या करते हैं, डाइपोल के दो कंपोनेंट डाल देते हैं, फिर दोनों कंपोनेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं, फिर उनको रिजोल्व करते हैं। तो एक फॉर्मूला भी अपन याद करते हैं वैसे, कि यदि ये एंगल थीटा है तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि अगले ने तो जो वैल्यू आपसे पूछी है उसमें केवल मैग्नीट्यूड काम आएगा, तो अपन मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहां पर एक डाइपोल रखा हुआ है और वो कह रहा है द डाइपोल मोमेंट हैज द एंगल, लेट्स सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो दिस थीटा इज कोस इनवर्स 1/√3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट a, 0 एंड b, 0, b आर इक्वल, तो अपन अलग अलग क्यों नहीं सॉल्व करें, जो बात ही मैग्नीट्यूड की है। तो इस पर तो मैग्नीट्यूड होगा kp / aq। यस सर। अच्छा, जैसे डाइपोल ऐसे होता p और उसकी ये डिस्टेंस r, ये वाला एंगल थीटा होता, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है kp / r³ अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। पर ये वाला एंगल होता है, मतलब उसकी एक्सिस से एंगल। तो जैसे यहां एंगल थीटा है तो इधर वाले केस में एंगल हो जाएगा 90 minus 2। तो इसको मैं लिखूंगा kp / aq साथ में अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। हमारा cos थीटा जो है वो 1/√3 है, तो cos स्क्वायर थीटा 1/3। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास जो आ रही है, ये वाली वैल्यू आ गई kp / aq साथ में अंडर रूट में 2। यदि मैं यहां बात करूंगा तो sin थीटा 1/√3, cos थीटा 1/√3 है, तो sin थीटा यदि अपन सोल्व करेंगे, sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 2/3। तो यहां पर इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा kp / bq अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर 90 minus theta प्लस 1, क्योंकि हमें तो एक्सिस से एंगल देखना है। तो यहां से यदि इसको सोल्व करेंगे तो ये kp / bq, अच्छा ये वाला डाटा तो ये sin स्क्वायर थीटा हो गया, sin स्क्वायर थीटा 2/3 है, तो ये वाला डाटा मेरे पास √3 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये और ये डाटा इक्वल है, मतलब मेरा kp / aq √2 जो है वो kp / bq √3 के इक्वल है, तो kp तो सही हो गया। हमसे जो वैल्यू पूछी है वो 2b^6 a^6 स्क्वायर मार दो, 2b^6 a^6 दिस वैल्यू कम्स एज 3। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 इज 3। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं अपन। तो 19 में कहा गया है दैट अ पॉजिटिव चार्ज q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल r। A particle having a mass small m and negative charge minus q is placed on its axis at a distance x from the center. एक तो particle पे force calculate करना है और ये मानना है कि x very very less than r है, तो oscillation का time period calculate करना है। तो चलिए जी, हमने कहा यहाँ capital Q, यहाँ minus Q, तो हमें पता है कि electric field intensity इस point पर होती है kqx upon r square plus x square raised to the power 3/2। Yes, तो फोर्स यदि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगा, और फील्ड इंटेंसिटी इधर होती है तो फोर्स लगेगा इधर। अच्छा, तो फोर्स तो आ गया k कैपिटल q स्मॉल q x / r² + x² raised to the power 3/2। दूसरा ये कहा गया कि ये छोड़ने पर SHM करता है, तो SHM की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अच्छा वो भी व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल r, तो r² + x² की एप्रोक्सीमेटेड वैल्यू r², तो r² की पावर 3/2 बोले तो r³, मतलब बॉडी पर फोर्स जो है वो k कैपिटल q स्मॉल q x / r³ के इक्वल है, और यदि अपन इसको ma के इक्वल रखते हैं तो बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो आ जाएगा k कैपिटल q स्मॉल q x / m r³। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन, तो SHM में यदि इसको अपन कंपेयर करें ओमेगा स्क्वायर x से, तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ गई अंडर रूट में k कैपिटल q / 4π epsilon naught इनटू में mr³। तो टाइम पीरियड जो आता है वो तो 2π / ओमेगा होता है, तो अपन इसको सेट करके लिखें 2π, ये वाला डाटा गया ऊपर 4π epsilon naught mr³ divided by capital Q small q अंदर मल्टीप्लाई किया, सो दिस वैल्यू बिकम 16π³ epsilon naught mr³ divided by
capital Q into small q. This is the time period for oscillations. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. अच्छा 20 को लेने का एक बड़ा बेसिक सा रीजन है मेरा कि इसमें ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये यूनिफॉर्म नहीं है. मतलब हाफ रिंग पर अलग है हाफ रिंग पर अलग है. हम ये डिस्कस करेंगे कि जब रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं आता. जैसे मैं मान लो किसी एक रिंग को लेकर बात करता हूं. मान लो रिंग पर यहां चार्ज dQ है और यहां से x डिस्टेंस पर यदि अपन पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल आता है k dQ अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो आएगा दैट विल बी k अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ dQ. इंटीग्रेशन ऑफ dQ बोले तो टोटल चार्ज. सिंपल सा कंसेप्ट है. सो दिस वैल्यू विल बी k Q total divided by under root of R square plus X square. तो चलिए सर अपन अपने क्वेश्चन की बात करें. इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पार्टिकल को अपन ने यहां से रिलीज किया और वो कह रहा है पार्टिकल सेंटर से क्रॉस कर जाए. सेंटर से क्रॉस कर जाए रिंग अपने पास यहां है. रिंग की रेडियस 4R है. इस पॉइंट पर मैंने वेलोसिटी u दी और इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यदि ग्रेटर देन इक्वल टू क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और ये भी पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली इस पर रिपल्सन तो लगेगा. अच्छा चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात करें तो इस वाले पार्टिकल पर रेडियस 4R है. चार्ज प्लस 3q सच है दैट 1 क्वार्टर इज प्लस q अनदर क्वार्टर प्लस 2q अलोंग इट्स एक्सिस. चार्ज चार्ज पार्टिकल पे प्लस q चार्ज है मतलब ये वाला पार्टिकल m कोमा q तो इस पर भी पॉजिटिव इस पर भी पॉजिटिव मतलब रिंग की वजह से रिपल्सन फील करेगा वो. यस सर. यदि हमने सेंटर क्रॉस करवा दिया ना तो फिर तो रिपल्सन इसको आगे क्रॉस करवा देगा. तो हमने कहा सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी तो k into q टोटल की बात करें तो 3q. अब वो कौन से क्वार्टर पर कितना है इसका तो मुद्दा ही खत्म हो गया. यस सर. अंडर रूट में यदि डिस्टेंस की बात करें ये रेडियस 4R और ये डिस्टेंस 3R तो ये हो गया 4R स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर प्लस में हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू के इन. अच्छा इसका चार्ज रह गया. सेंटर का पोटेंशियल के 3Q अपॉन 4R और चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एंड दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यदि अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये डाटा आया 3KQ स्क्वायर अपॉन 5R प्लस में MU स्क्वायर बाई 2 माइनस में 3KQ स्क्वायर अपॉन 4R इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर एंड दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यदि इनको सोल्व किया तो ये डाटा आया MU स्क्वायर बाई 2 ये है मेरा 3 बाई 5 और 3 बाई 4 3 कॉमन लिया 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 4 1 बाई 20. So this value comes as minus 3KQ square divided by 20R greater than equal to 0. तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको. ये घटा 10 times cancel out हो जाएगा मतलब MU square जो है वो greater than equal to आ रहा है 3Q square divided by 40 pi epsilon naught into R. अच्छा कुछ information भी given है अपने को question में. Information ये given है कि 40 pi epsilon naught r divided by rm divided by q square जो है this value is 1 by 3. yes sir. तो यदि मैं यहां से 40 pi epsilon naught r by q square की बात करूं तो ये 1 by 3 m हो गया. तो मेरा mu square जो है वो greater than equal to 3 और साथ में 1 by 3 m. बोला जाए तो mu स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9m आ गया तो m तो सही हो गया. मेरा u स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9m दैट मींस वी से दैट द u ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड. ओके डियर सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. अच्छा देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेनली जो JEE में क्वेश्चंस आते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड कांसेप्ट पे ज्यादा होते हैं. पोटेंशियल एनर्जी कुछ फील्ड बेस्ड भी होते हैं. तो हमारा जो आज का लेक्चर था वो मेनली पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड ही था ताकि हम JEE ओरिएंटेड क्वेश्चंस की बात करें. मिलते हैं फिर अगले सेशन में और उसमें हम आपके लिए 20th ओरिएंटी लेकर आएंगे जिसमें हम कैपेसिटर से रिलेटेड
जे ओरिएंटेड बात करेंगे. ओके डियर, गुड बाय.